राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की अभिनव पहल की है। सीकर में योजना की शुरुआत सांवली रोड पर आयोजित कार्यक्रम से की गई। यहां पर जिले की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने फावड़े से कचरा उठाकर के योजना की शुरुआत की। वहीं रोजगार के लिए आवेदन करने वाले लोगों को जॉब कार्ड का वितरण भी किया गया। रावत ने बताया कि योजना में लगभग 2.25 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। योजना के तहत पंजीकरण और काम मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2022-23 में प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। कि जैसे ही नई नगर पालिकाएं बनी, वो पहले ग्राम पंचायत थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में नगर पालिका बनने के बाद में जो मनरेगा में जो रोजगार मिल रहा था ग्रामवासियों को, तो उनको एकदम से रोजगार बंद होने से एक हताशा सी हो गई थी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि साहब हमें भी नरेगा की तरह से ही शहरों में रहने वाले को भी रोजगार चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, वो कभी भी कोई भी निर्णय लेते तो जनता की मांग पर ही निर्णय ले रहे हैं। चाहे बजट पेश करना हो तो उसमें भी जनता की मांग के अनुसार उन्होंने जो भी बजट पेश किया वो उन्हीं के हिसाब से, जनता के हिसाब से किया। चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों, चाहे छात्र छात्राएँ, युवा युवतियाँ, तो ऐसा बजट पेश किया। इसी तरीके से जैसे ही मांग गई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत फैसला कर लिया कि नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, सभी में भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, शहरी योजना चलाएंगे हम। और चलाने से उसमें जो शहर में रहने वाले जो मजदूर हैं उनको, जो सभी वर्ग को, हर वर्ग का आदमी होता है मजदूर, उसमें कोई जाति नहीं होती है, तो उनको रोजगार दिया जाएगा 100 दिन का। और रोजगार की गारंटी है कि जिस तरह से मनरेगा में है, ठीक उसी तरीके से शहरों में भी रोजगार दिया जाएगा। इस तरीके की पहल, पहली ये पहल है राज्यों में, राजस्थान में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से। ऐसी पहल कहीं भी पूरे देश में नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि मैं बांसूर में भी शुरुआत करके आई और यहाँ पे भी शुरुआत करी है, तो सब लोगों को एक ऐसा नया खुशी सी मिली है कि हमें भी अब रोजगार मिलेगा, जो हम घर बैठ गए थे उन्हें भी रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो। इसी क्रम में शहरी निकाय क्षेत्र से यह योजना लागू की गई है। राजस्थान के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने गाँव में रोजगार के लिए रोजगार गारंटी योजना बनाई थी, और उस समय हमारे गाँव से लोग रोजगार नहीं मिलने पे प्लान अनुसार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत ने सोचा, क्यों ना मैं मेरे शहरी भाइयों के लिए भी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको रोजगार देने की योजना बनाऊं। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आज वर्चुअल उद्घाटन किया, और पूरे राजस्थान में आज से हमारे शहरों में रोजगार की ये रोजगार गारंटी योजना चालू हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस रोजगार योजना के अंदर इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है, यह अनुमानित मजदूरी कितनी मिलेगी, इस बात के सारी जानकारी हमारे पार्षद और सभापतिगण और हमारे सारे अधिकारीगण दें। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में ये बात अलग से गूंजेगी, और सीकर शहर ही नहीं पूरा राजस्थान सुंदर और स्वच्छ बनेगा। क्योंकि इसका एक कारण है, हमारे 1000 की पॉपुलेशन पर 3 सफाई कर्मचारी चाहिए। हमारी यहाँ की आबादी 3.5 लाख, हमारे पास सफाई कर्मचारी 415। अब ये अनुपात आप देखें तो इसके लिए हमें एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, वो होता है ठेका प्रंत है, ठेके पे हमें कर्मचारी लेने पड़ते हैं, और वो कर्मचारी जो हमारे वाल्मीकि समाज के होते हैं उनका शोषण होता है, ठेकेदार उनका शोषण करता है। आप 260 रुपए दे रहे हैं और वो उनको 200-225 रुपए देते हैं। तो अगर मैं आपसे ये चाहूंगा कि प्रत्येक राजस्थान के अंदर हर वार्ड पे
आप 5-5 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करवा ले, जो इस शहरी रोजगार गारंटी से जॉब कार्ड बन जाए 365 दिन उनको काम मिलेगा और वाल्मीकि समाज का उत्थान होगा, तो निश्चित रूप से इस राजस्थान का भी उत्थान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है गरीब तक पहुंचने की, ये भावना भी एक सार्थक साबित होगी। मैं पुनः आपसे अनुरोध करते हुए आप आए इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा और हमारी भावना आप मुख्यमंत्री जी से, मुझे इसे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से पहुंचाएंगे और आने वाले समय में वाल्मीकि समाज को 365 दिन की रोजगार गारंटी दिलाने का आप काम करेंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद आपसे। जय हिंद, जय भारत। शुभारंभ समारोह में किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला, सभापति जीवन खां, बीसू को उपाध्यक्ष सुनीता गठाला, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक राष्ट्रदीप, एडीएम रतन कुमार, उप सभापति अशोक चौधरी, जिला साक्षरता अधिकारी राकेश लाटा, नगर परिषद के पार्षद, विभागीय अधिकारी और शहर के लोग मौजूद रहे।